सुबह से पानी परेशान किया हुआ है सर, देखिए काम भी नहीं हो पा रहा है। ये कौन सा जगह है? ये लहरिया साइड टावर मेन जगह है सर। क्या कहें, दुखी भरी कहानी है। बारिश होने के कारण तो सफर दरभंगा में पानी लगती है। एक दिन के बारिश से खोली दरभंगा नगर निगम की पोल, जल जमाव से परेशान लोग। दरभंगा में आज हुई भारी बारिश ने पूरे शहर को भिगो कर रख दिया। प्रमुख सड़कों से लेकर चौक चौराहों गली मोहल्लों की सड़कों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण अन्य कई सड़कों के साथ साथ VIP रोड में भी जलजमाव हो गया। लोगों ने कई जनप्रतिनिधियों से लेकर नगर आयुक्त और नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम केवल तरह तरह के टैक्स बढ़ाकर वसूलने में लगी है, लेकिन लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहीं बारिश के कारण समारण्यालय प्रांगण में भी जलजमाव की स्थिति हो गई। कमिश्नर के समक्ष चिल्ड्रन पार्क के पास की सड़क पर, लहरियासराई टावर के पास स्वीट होम चौक के पास से लेकर VIP रोड, कमर्शियल चौक, जीवनगंज रोड मुख्य सड़क तक जलजमाव की स्थिति बन गई। पूरा शहर पोखर और झील में तब्दील हो गया। एक दिन की बारिश ने दरभंगा नगर निगम के पोल खोल दी। जहाँ भी जाए, जिस किसी सड़क में जलजमाव की स्थिति ही लोगों को देखने को मिली। बहुत दिक्कत हो रहा है, आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बारिश तो है ना, रुक रुक के बारिश हो जाने से जलजमाव की स्थिति हो गया है। कहाँ कहाँ गए हैं अब? क्या जलजमाव? हम निर्वाचन कार्यालय गए हैं, DLO का काम था वो सब देखे हैं, और फिर जा रहे हैं पंचायत निर्वाचन कार्यालय जा रहे हैं। पंचायत, जिला पंचायत में कार्यालय लोक अदालत था, उसका संचिका देने गए थे। अभी जो जिस जगह पे खड़े हैं, कौन सा जगह जहाँ जलजमाव है? यहाँ तो अभी है, मतलब कि निर्वाचन कार्यालय है और DM साहब का बगल में चैम्बर है जिसमें कोर्ट चलता है, न्यायालय चलता है। जी दिक्कत तो जनाब बहुत है, बारिश का पानी एक बार नहीं लगता है। जो एक बार बारिश हुआ तो समझिए ये सारा दिन और कल भी ये पानी यहीं रहेगा, और बारिश का निकासी का पानी का कोई प्रबंध नहीं है। सिर्फ झूठ मूठ का नगर आयुक्त से लेके नगर मेयर तक टैक्स के जमाव के सारा आसार खोजेंगे, लेकिन आदमी को जो परेशानी हो रहा है इस शहर में उसका कोई निजात नहीं है। अब बताइए, इस बारिश में 3 मोटरसाइकिल गिर चुका है नाले में, नाला ओपन है। कौन सा जगह है जहाँ पर नाला ओपन है? ये लहरियासराय सुजुम चौराहा है, यहाँ नाम का VIP, इसको VIP रोड आप नहीं कह सकते। हो रहा है, सुबह से पानी परेशान किया हुआ है सर, देखिए काम भी नहीं हो पा रहा है। ये कौन सा जगह है? ये लहरियासराय टावर मेन जगह है सर। क्या कहें, दुखी भरी कहानी। बारिश होने के कारण तो सफर दरभंगा में पानी लगती है। जिला मुख्यालय लहरियासराय टावर के पास पानी लगा हुआ है। नगर निगम का ध्यान है, प्रशासन का ध्यान है। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, तो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं? जिनको पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी भी